जनवरी का फर्स्ट वीक है और आज ना कोलकाता का कोल्डेस्ट डे में से एक दिन है। अब सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ा है। सुबह उठा तो कोहरा छाया हुआ था, अभी वक्त हो रहा है शाम के 4 बजे के आसपास और ठंड अभी ज़बरदस्त लग रही है, थोड़ा थोड़ा धूप हुआ है। दरअसल मैं निकला हूँ रील्स बनाने के लिए। आज मैंने विक्टोरिया के ऊपर रील्स बनाया है, बहुत ही खूबसूरत एक रील्स है। आप लोग जाइए देखिए, चैनल पर अपलोडेड है, विक्टोरिया के नाम से वो रील्स आप लोगों को मिलेगा। और आप लोगों का कैसा बीत रहा है विंटर? अगर आप किसी और सिटी से हैं, दूसरे शहर से, तो बताइए आपके वहाँ पर ठंड कैसी है। पक्षिया है, हाँ है, उड़ा 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 और उड़ गया, वाह वाह। मैं भी जा रहा हूँ न्यू मार्केट की तरफ, वहाँ चलते आगे। दूर ठेला वाले चाट वाले बैठे हुए हैं, बाकी शाम का वक्त है, लोग आए हुए हैं मैदान में घूमने आते हैं। इस मौसम में घूमना किसको नहीं पसंद, हर एक को पसंद है। चलते चलते पार्क स्ट्रीट आ गया मैं, बांस से घिरा हुआ है अभी भी, न्यूयॉर्क की यूथ के टाइम पे ये घिरा गया था। पार्क स्ट्रीट के बगल में जो मैदान है, यहाँ पे अक्सर मैं बैठ के अपने फ्री टाइम पे क्रिकेट मैचेस देखता हूँ। जो बच्चे क्रिकेट सीखते हैं ना, यहाँ पे क्रिकेट क्लब्स हैं यहाँ पे। अभी शायद मैच ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया, मैं आज लेट से आया हूँ। पैदल चल चल के आ गया मैं न्यू मार्केट की तरफ, पार्क स्ट्रीट क्रॉस करके। यह न्यू मार्केट का सिचुएशन, बहुत ही ज्यादा भीड़ है आज। भीड़ इतना ज्यादा है कि चलना मुश्किल हो जा रहा है। न्यू मार्केट से मैं सीधा आ गया पार्क सर्कस की तरफ, पार्क सर्कस मैदान जहाँ पे मेला लगता है हर साल। ये अकेला घूम रहा है, कोई आया नहीं है, बच्चे नहीं है इसमें, बैठे नहीं है कोई। एक्चुअली थोड़ा और रात होगा तो भीड़ बढ़ेगा, मैं थोड़ा अर्ली हूँ एक्चुअली। बच्चे बोटिंग कर रहे हैं। अभी मैंने खरीदा मीडियम चाय, ये शायद अरसलान का ही नया ब्रांच है शायद, वो लोग बेच रहे हैं, पी के देखता हूँ। तो दोस्तों ठंड के समय में चाय सबसे बेस्ट चीज़ होती है, मुझे तो बहुत पसंद है, मज़ा आ गया। ठंडी बहुत ज़्यादा है आज, मैंने जैसा आपको बताया था, ये चाय पी के और मज़ा आ गया। आज थोड़ा सा घूमना फिरना हो गया, सैर भी कर लिया और ये खूबसूरत कोलकाता शहर आप लोगों को मैंने अपने लेंस के थ्रू दिखाया, अपने कैमरे के थ्रू। आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए कमेंट्स करके, और देखते रहिए मेरे वीडियोस। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ज़रूर देखते रहिए और देखते रहिए और देखते रहिए, मुझे इंस्पिरेशन मिल जाएगा और बनाने, तो आप लोगों का देखना मुझे और इंस्पायर ही करेगा। बाय बाय दोस्तों।